Hello learners, welcome to IAS Marathon. So guys, this is the chapter number 4th, part 2nd है ये आपके, ठीक है? कोशिश करूंगा कि ये लास्ट पार्ट हो आपका. तो दिस इज द चैप्टर, चैप्टर 4th, पॉवर्टी पढ़ रहे हैं. पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? उसको जाकर के देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक? अब यहाँ पर देखो, पहला ही कॉन्सेप्ट आता हमका यहाँ पर, पहले ही जो है, पहले ही 30 सेकंड में, हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो क्या होता है? जब आपके बेसिकली बीपीएल पीपल कैटेगरी के जो हैं वो, उनमें से जब हम पुअर निकालते हैं, इसको हेड काउंट रेशियो बोलते हैं. हेड काउंट रेशियो, ठीक है? यानी कि सर गिनना है आपको, ठीक है, इस तरीके से. अब जब भी हम इंडिया में बेसिकली पॉवर्टी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मेजर करने की कोशिश करते हैं, आप सबको पता है, आप सब वंडर करते हैं हमेशा से इसी चीज़ पे कि कितने लोग होंगे, क्या किस रेशियो, किस परसेंटेज में होंगे. तो आपको बता दूं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉवर्टी मतलब इंडिया में रहते हैं पीपल, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट है, जैसे कि स्टेट स्टेट में है बेसिकली, टाइम टू टाइम, ठीक है, आज़ादी से लेकर के अब तक क्या टाइम रहा, ठीक है. अब तो ऑफिशियल डाटा पॉवर्टी जो है, डाटा ऑन पॉवर्टी प्लानिंग कमीशन ने किया था पहली बार, ठीक है. अब इन्होंने एस्टिमेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा, जिसको NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. चलो मुझे बताओ, NSSO कौन सी बॉडी है? ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, नॉन स्टेटूटरी बॉडी. अगर स्टेटूटरी है तो कौन से एक्ट के अंदर है ये, ठीक है, मुझे बताओ नेशनल, ठीक है. बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन आप उसके भी आंसर नहीं कर रहे हो, तो आपको करना है, ठीक. अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इस मतलब NSSO का डाटा है कि पुअर और उनके प्रोपोर्शन कितने हैं बेसिकली इंडिया में 1973 से 2012 तक. अभी चार्ट में देखेंगे हम, चार्ट से समझते हैं इसको हम, कि जो 1973 में आपके रूरल वाले और अर्बन वाले, ठीक है, तो ये अर्बन है, ये रूरल है, ठीक है. तो बेसिकली अब जो हम 2011-12 में देखते हैं तो इतना कम हो चुका है, ठीक. और आपका जो अर्बन है, ठीक है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा कोई खास दिक्कत है नहीं और ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं, लेकिन रूरल में काफ़ी ज़्यादा आया है. अगर हम यहाँ पे डेटा से पढ़ें ऊपर, तो 1973-74 में 320 मिलियन पीपल जो थे वो बीपीएल कैटेगरी में थे, और वहीं 2011-12 में ये लोग 270 मिलियन लोग आ गए, ठीक. चलो आपको थोड़ा सा डरा देता हूँ मैं, बेसिकली बात क्या है, बात यह है कि 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थी पॉवर्टी लाइन के मतलब नीचे, 55% ऑफ द पॉपुलेशन, कब? 1973-74 में, राइट. और यही जो बेसिकली घट करके कितना आ गई, 22% पर 2011-12 में, ठीक. तो ये डिफरेंस है बेसिकली. अब एक बहुत ही हॉरिबल आपको डाटा बताता हूँ, ये कहते हैं कि 80% ऑफ द टोटल पुअर जो है वो रूरल एरियाज में थे हमारे. ये जितने 45% है ना, इनको मान लीजिए आप 100% पुअर है हमारी कंट्री के, ठीक है. तो इनमें से 80% आपके रूरल में रहते हैं, बाकी 20% अर्बन में रहते हैं, ठीक है, 1973-74 में. और हॉरिबल बात क्या है कि ये ही सिचुएशन आज 1211 एंड 12 में भी रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट सेंसस जब आएगा, या फिर जब हम पॉवर्टी बेसिकली निकलता तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन अभी हम यही मानते हैं 2011 वाला डाटा को, ठीक है, कि 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ इवन बिलो पॉवर्टी लाइन. अब ऐसा इसलिए होता है सर एंड मैम, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज भी कहाँ रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, ठीक है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो 1990s में क्या हुआ, जब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, कि एब्सोल्यूट नंबर जो थे रूरल पुअर के, रूरल एरियाज़ में, वो तो कम हो गए, लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या हुआ कि मार्जिनली, एक मार्जिनल रेट पर ये बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है. पॉवर्टी जो रेशियो था वो तो बेसिकली दोनों में ही डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, पॉवर्टी रेशियो था तो वो डिक्लाइन तो दोनों में हुआ था, अर्बन एंड पुअर में. अभी हमने चार्ट में भी देखा था कि 1973 के बाद से अभी 2012 में भी जो है बेसिकली पॉवर्टी तो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन किस प्रोपोर्शन में हो रही है ये हमको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है. देख रहे हो यहाँ पर, ये तो है रूरल का हाल और ये है आपके अर्बन का हाल, ठीक है. बेसिकली किस नेचर का डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर, हमको मतलब पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं वो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है. इतने सालों में भी हमने देखा है कि पॉवर्टी बहुत बड़ी मात्रा में कम हुई, 55% से लेकर के 22% तक आ चुके हैं, लेकिन व्हाट आर द नेचर, नेचर जो डिक्लाइन का वो बहुत ही ख़राब है, ये पैरामीटर जो है वो इतने इनकरेजिंग है नहीं. अब यहाँ पर आपने एक और बात नोटिस की है कि बेसिकली एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल और अर्बन इंडियाज में तो रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन जो रेशियो, केस ऑफ द रेशियो, द गैप हैज़ रिमेंड सेम अंटिल कब तक, 1992 से लेकर के 2000 तक, एंड हैज़ वाइडेंड इन 2011 एंड 12. यानी कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर
जो है रूरल एंड अर्बन एरियाज में इनका बेसिकली क्या गैप तो रिड्यूस हो गया, लेकिन रेशियो में इनका कंटिन्यूसली जो है सेम रहा है, और फिर बाद में जाकर के 11-12 में तो इंक्रीज हुआ है ना। अब ये स्टेट वाइज बेसिकली चार्ट दे रखा है इसके अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड कि 2011-12 तक कितने ही जो है आपकी पॉवर्टी कम हुई है, ठीक है, 1973 से लेकर के। तो एक बार अपने स्टेट का नाम नीचे लिख दो और उसका रेशियो मुझे नीचे बताओ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, ताकि मैं भी तो देखूँ कौन कौन से स्टेट के लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं। अब थोड़े से इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं, कॉज क्या होता है बेसिकली पॉवर्टी होने के। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें इंस्टीट्यूशनल और सोशल फैक्टर्स हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है पुअर को, हमेशा डिप्राइव रखा जाता है इनको, ठीक है, स्किल्स नहीं लेने दिया जाता है ना, मतलब एबल ही नहीं होते हैं लेने के लिए, हेल्थ केयर नहीं मिलती सही, और यही बेसिकली कास्ट रिलीजियस और अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के शिकार यही होते हैं, अमीर लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दिस कैन बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, पॉवर्टी इन कारणों की भी हो सकती है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो, नेक्स्ट आपका सोशल एक्सक्लूजन किया जाए इनका, नेक्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इनडेटनेस, और फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, बहुत खतरनाक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जिस दिन इंडिया में आ गया ना, तो मान लीजिए इंडिया जो है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा देश बन जाएगा पूरी दुनिया का। हाँ खैर अभी भी है, इंडिया इज़ अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे जियो पोलिटिकल कंडीशन किस लेवल तक जा चुकी है, ठीक है, इंडिया में हम शांति से रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या, एग्रीगेट पॉवर्टी का, ठीक है, एग्रीगेट पॉवर्टी, एग्रीगेट एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल पॉवर्टी, ठीक है, एग्रीगेट पॉवर्टी का मतलब जितनी भी इंडिविजुअल पॉवर्टी है उन सबको प्लस कर दीजिए, ये आपकी एग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम नेशनल इनकम भी काउंट करते हैं, EDAS अप्रोच, आपको पता होगा AD एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। चलो बताता हूँ मैं आपको आगे, जब हम 11th की 12th की माइक्रो मैक्रो पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो गाइस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है हमने उसकी, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब पॉवर्टी जो है हम जनरल अगर हम इसको डिफाइन करें तो इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि लो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिमांड नहीं है आपके, बहुत प्रेशर है पॉपुलेशन का, उसके अलावा सोशल और वेलफेयर नेट्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस सोशल नेट्स। जिस दिन इंडिया में आ गए सोशल सिक्योरिटी नेट्स, सोशल सिक्योरिटी नेट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर हमको पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है इस कंट्री में, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द अर्जेंट नीड ऑफ द नेशन। अब पहले ही चैप्टर में पढ़ा था हमने जो ब्रिटिश रूल है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, बेसिकली हाईली देखो जो कंट्री 23% 22% ऑफ द वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूट करती थी उस टाइम पे, सोचो ये आते आते -6.4 और भी 2 और 3% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करने लगी। देखो कितना डिफरेंस आ चुका है, क्या कंडीशन करके छोड़ के गए हैं, आके टोटली एक्सप्लॉइट चूज करके गए हैं पूरे ब्रिटिश हमको यहाँ से, ठीक है। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या, बहुत कुछ हुआ था, मैंने आपको उस रीजन बता दिया था, एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी मात्रा में किया है ना, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्ट बड़ी मात्रा में हुआ, और फिर मतलब जो रो कॉटन है वो तो गया वहाँ पर एक्सपोर्ट बेसिकली करना पड़ा हमको, क्या यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ा बेसिकली हमको यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट, ठीक। अब उस टाइम पे भी जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस होते थे अराउंड 70% वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही तो करते थे, ठीक है, और ब्रिटिश राज में तो ब्रिटिश पॉलिसीज क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिया करती थी, रूरल टैक्सेस पे लैंड टैक्सेस बढ़ा दिया करती थी। अब इनसे क्या होता था कि जो मर्चेंट होते थे मनी लेंडर्स होते थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स बन जाते थे, उनके पास सारी ज़मीनें चल जाती थी, ठीक है। अब इसी के कारण इंडिया ने बाद में फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि अब इनको लगा कि पैसा कहाँ से कमाया जाए, और तो ये तो सोचते थे, जरिया सोचते थे जो खाना है भैया अन्न है यहाँ पर, तो उसको क्या करा जाए, सेल किया जाए बड़े बड़े मार्केट में, अपनी कंट्रीज में लेकर के जाया जाए, ठीक है। अब इसके कारण इंडिया में क्या आ चुकी थी, फेमाइंस, ठीक है, 1875 में बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, और 1900 में और एक आई थी हमारे वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे भी आई थी, बड़ी मात्रा में लोग मरे थे, आई मीन फर्स्ट एंड सेकेंड के टाइम पे, सेकेंड के टाइम पे भी ज़्यादा बड़ी आई थी। अब चलो इंडिपेंडेंस की बात तो रही अलग है ना, मतलब उसके पहले की, तो अब इंडिपेंडेंस लेकर अभी तक की अगर हम देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चर ही जो है प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता है, आज भी होता है, ठीक है, और 48% ऑफ इंडियाज जो है पॉपुलेशन भी इससे जुड़ी हुई है, और काफ़ी बड़ा पोर्शन भी GDP का इसमें जाता है, 22-23%। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो प्राइमरी असेट है वो भी लैंड ही है पीपल के लिए, तो ठीक है, ओनरशिप ऑफ द लैंड इज़ द
मेजर डिटर्मिनेंट फॉर द रूरल पीपल, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हम देखें तो, और ये एक जरिया उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने का, क्या आपका लैंड, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बहुत कोशिश करी थी, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आई थी, ठीक है, गरीबों में किस तरीके से बांटी जाए लैंड जो इनसे छीनी गई है अंग्रेजों के टाइम में। अब ये लिमिटेड एक्सटेंट में सक्सेसफुल हुई, ठीक है। अब देखो कितने टाइम से लोगों के पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, अब उनको आप एकदम से ज़मीन दे दे रहे हो, वो भी उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में आप खेती कर सको, ठीक है, खेती करने के लिए चाहिए इनको ज़मीन है। अब इन लोगों के पास ना स्किल्स रह गई, ना ही इनके पास पैसे हैं लगाने के लिए, ना इनके पास असेट्स हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे भैया आप, हाँ किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इतनी छोटी ज़मीन से होती थी हैं कि वायबल ही नहीं होती थी है, क्या प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर लोगे आप इन पर, ठीक है। तो अब ये जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज थी बहुत से स्टेट्स ने तो उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है, और जिन्होंने किया वहाँ पर ये हालत हो गई थी। अब देखो यहाँ पर रूरल पुअर जो है इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग कौन है, स्मॉल फार्मर्स ही हैं। अब इनके पास लैंड ही होती सब कुछ, ठीक है, अब इनके पास असेट्स नहीं है, अभी क्या होगी बहुत लेस फर्टाइल्स होती है, तो लेस फर्टाइल में क्या चाहिए आपको, खाद चाहिए, आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये रेन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो अब इनके सर्वाइवल का बेसिकली डिपेंड करते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप पर। सब्सिस्टेंस क्रॉप्स क्या होती हैं, वो जो बेसिकली ये खुद की खुद का पेट भरने के लिए करते हैं वाली खेती, ठीक है वो, और समटाइम्स जो इनके लाइफ स्टॉक से उनके लिए। तो विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, तो और पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। क्योंकि देखो पिता है उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब इनके दो बेटे निकलेंगे, ठीक है, अब वो उन दो बेटों को इनमें से आधे आधे टुकड़े देंगे, फिर इनके मान लीजिए दो तीन बेटे हुए, इनके दो तीन हुए, तो उसी टुकड़े का फ्रेगमेंटेशन कुछ बड़ी मात्रा में हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे इनफिशियंसी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो जाएगी और आपकी जो खेती है वो ख़राब हो जाएगी। अब इससे एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्या होती है, इससे क्या होगी, फैमिली की बेसिक नीड्स तो नहीं कंप्लीट हो रही, ऊपर से फार्मर सुसाइड से अलग कर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास लोन्स तो ले लिए इन्होंने, अब लोन्स इन्होंने ले लिए अब कल्टीवेशन के लिए, लेकिन कल्टीवेशन के बाद इनको रिटर्न उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है गाइस, फार्मर हर तरीके से मरता है। और अभी भी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, चलो मुझे बताओ आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करके, और मुझे बताना क्या सोचते हो आप इसके बारे में, कि आप गवर्नमेंट की तरफ हो या फिर, ठीक है, तो गाइस एक डिप्लोमेटिक आंसर चाहिए मुझको, आप मुझको, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक आंसर देना। मेरी खुद की पर्सनल राय ये की है सर, सर एंड मैम, कि जो बेसिकली अनअवेयरनेस है अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ठीक है, और बहुत सारी फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाई गई हैं अबाउट द लॉ, और मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है लॉ का, ठीक है, एक कारण तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको क्लैरिटी करना चाहिए। अब इससे हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो क्या है, वो ये है सर एंड मैम, कि जब भी आप लॉ लेकर के आए तो जो रिलेटेड और कंसर्न पार्टी होती है जिनके लिए, उनको बेसिकली पहले तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, यानी कि जो पार्टी जो पीपल है इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके लीडर्स को बुला लिया जाए या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको लॉ लाने के पहले उसके लिए एक बहुत ही बेसिक ग्राउंड रेडी करना होगा, वो क्या है भैया, देखो आपको एक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, उसके अलावा जो बेसिकली बेसिक Q&A होते हैं, ठीक है, Q&A होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, बेसिक क्वेश्चन और आंसर रिलेटेड टू द लॉ, वो लोगों को समझाया जाए इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, स्पेशली जो जो कम्युनिटी रिलेटेड है इम्पैक्ट होंगी उनको तो स्पेशली समझाया ही जाए इससे, ठीक है, ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, बिकॉज आपको हक है इन सब पर बोलने का, ठीक है, आपको लिखना भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर डिप्लोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, मुझे बताओ लिख के। अब गाइस जो पुअर है ना वो बेसिकली अब स्किल्स लेने में भी बहुत पीछे होते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है इनसे इनको कॉम्पीट करना। जो इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट है ना, डिफरेंट सेक्टर्स, नए नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड नॉलेज लेना और स्किल्स लेना, ये सब इन लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है। अब इंडिया में क्या है कि जो अर्बन पुअर है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रखा है इन लोगों का, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो। अब इसमें बहुत सारे अर्बन पुअर तो क्या होते हैं, या तो अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे या फिर इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड होंगे, जैसे कि जैसे इसका मतलब होता है सर कि कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर है, डेली के लेबर बनते हैं, ठीक
ठीक है। और कैजुअल लेबर्स जो होते हैं बहुत ही मोस्ट वुलनरेबल होते हैं पूरी सोसाइटी में, ठीक है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब चाहे जब हटा देंगे, आज है कल नहीं है इनके पास खाना, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए जो पॉवर्टी है क्लोजली रिलेटेड माना जाता है एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। अब एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपका जॉब नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मान लीजिए कोई पीएचडी होल्डर है, अब इससे आप क्लर्क या फिर आप इसे वॉचमैन का काम करा रहे हो, तो दिस इज़ आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपकी पोटेंशियल क्या है और आप कर क्या रहे हो, ठीक। ये अब कैजुअल और इंटरमिटेंट जो आपका बेसिकली नेचर ऑफ वर्क है वो ही बेसिकली इंडेटनेस को बढ़ाता ही है, ठीक है। बाद में पॉवर्टी बढ़ती है इससे, और पॉवर्टी जो है बहुत ही सिग्निफिक बेसिकली इंडेटनेस को ही माना गया है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है। आई मीन सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ द पॉवर्टी, दोनों भाई बहन ही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कि किस तरीके से जो बेसिक फूड जो होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो ज़रूरत होता है खाना, ठीक है, रोटी चावल, वो उसका अगर प्राइस बढ़ जाएगा और मान लीजिए लग्जरी गुड्स से भी ज़्यादा अगर उनका प्राइस बढ़ जाए, जो कि हुआ चुका है इन द पास्ट, तो ये होता है बेसिकली मोस्ट हार्डशिप्स जो पुअर्स को देखना पड़ता है, मोस्ट डिप्राइव्स हो जाते हैं उस टाइम पे भी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ इनकम, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो तो अफोर्ड कर ही सकते हैं एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो खाने की ये तो अफोर्ड कर ही सकते हैं वो, ठीक। तो इस तरीके से हमको एक सोसाइटी में दो डिस्टिंक्ट ग्रुप देखते हैं। एक तो होता है वो जो पूरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, ओन करते हैं, ठीक है, पजेस करते हैं और एक गुड इनकम कमाते हैं उन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है आपका दूसरे वो लोग होते हैं जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी लेबर होती है जिसको ट्रेड कर सकते हैं ताकि वो सर्वाइवल तो करें एटलीस्ट, है ना। अब पॉलिसीज इन प्रोग्राम देखते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन के लिए करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है और 5 ईयर प्लान्स में भी बताया गया है कि ये बेसिकली स्टेट की ड्यूटी है, सोशल जस्टिस है ये, है ना, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक था, इसको इसमें भी बेसिकली ये कह रखा है कि इकोनॉमिक और सोशल चेंज जब भी आएगा, मतलब उसकी नीड हमें जब भी महसूस हो रही है जब हमको ये जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ किस में, इनकम में, वेल्थ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, ये सब देखने को मिल रही है, तो ये हमारी नीड बन चुकी है आज की। नेक्स्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो 1956 से 61 तक आया था ये, ठीक है। चलो मुझे आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन है कि प्लान हॉलीडेज कितनी बार आए हैं उसके डेट्स बताओ नीचे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, चलो मैं पूछता ही सिंपल ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये था कि द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट अक्रू मोर एंड मोर टू द रिलेटिवली लेस प्रिविलेज सोसाइटी, यानी कि जितने भी ये गवर्नमेंट के प्लान एंड पॉलिसीज होती हैं ये क्या चाहते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन हो, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन पे ध्यान देते हैं। गाइस अब यहाँ पर से थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन आएगा अबाउट दी गवर्नमेंट्स अप्रोच, ठीक है, कि गवर्नमेंट की अप्रोचेस क्या रही हैं और वो किन बेसिकली किन डायमेंशन में, तीन डायमेंशन में गाइस गवर्नमेंट की अप्रोच। पहला है अप्रोच आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, पहला है आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये रहा, ठीक। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट वही उन पे बात करेगी कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी के नंबर्स, इनको इंक्रीज करो बड़ी मात्रा में, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ठीक है, और लास्ट सेक्शन ट्रिकल डाउन हो जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी, देखो ट्रिकल डाउन थ्योरी आपने कई बार सुना होगा, ट्रिकल डाउन डाउन थ्योरी, यानी कि आप बेसिकली क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री लगाओ, है ना, और बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर डेवलप करो, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो। अभी क्या होगा, बेसिकली इससे जो बेनिफिट होगा ना वो पुअर्स में अपने आप इनका बेनिफिट मिलना, जैसे कि मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो और इससे एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी जब इसकी बढ़ जाएगी यानी कि कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो पुअर के लिए तो क्या होगा, फ़ायदा होगा ना, पुअर लोग तो ज़्यादा खरीद सकेंगे चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलेगी। तो बेसिकली ट्रिकल डाउन थ्योरी होगी, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, तो ये कहते हैं। अब ये वाली जो अप्रोच थी ना ग्रोथ ओरिएंटेड, ये 1950s 1960s में थी, ठीक, कि रैपिड इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, एग्रीकल्चर में बेसिकली अंडर डेवलप्ड जो रीजन है वहाँ पर उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन वही हुआ जो हमने चैप्टर 2 और 3 में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अलग से बताया था, एग्रीकल्चर का अलग लेसन है, इंडस्ट्री का अलग लेसन है, जाओ और देख लो उसको पहले, ठीक है। हुआ क्या कि वही औंधे मुँह गिराए कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई, फिर जो रिच एंड पुअर का गैप है वो बढ़ गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी डिस्पैरिटी लेकर के आया, ठीक है। तो ये सब अब सेकेंड जो मेथड है बेसिकली वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो किस तरीके से इन लोगों को दिया जाए ताकि इनका लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ सके।
ऐसा क्या किया जाए कि एक एडिशनल अल्टरनेटिव मॉडल इनको दिया जाए जिनसे ये डेवलप कर सकें अपना लाइवलीहुड, ठीक है, एसेट जनरेशन कर सकें। तो ये सेकेंड अप्रोच है, ये बेसिकली थर्ड 5 ईयर प्लान में लेकर के आए थे ये 1970s में। तो इसमें पॉवर्टी एलिवेशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं, है ना, जो कि 5 ईयर प्लान्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जैसे कि एक्सपेंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इनको कहा गया कि ये पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे जड़ से, ठीक है, इनसे इनकी के थ्रू। अब इनमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको जो कि यहाँ पर मेंशन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अगर कुछ एग्जांपल देखें तो वो है आपका REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर की जो रोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, ठीक है, ये सब आपके एक्सपेंडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट आपका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, ये अर्बन सेक्टर में होगा आपका, ठीक है, ये अर्बन सेक्टर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक। तो KVIC कमीशन बेसिकली बनाया भी गया है ना, तो ये अब ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर लेगा, लोन चाहिए तो लोन दिला देगा, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उनके लिए काम कराएगा ये, ठीक। अब इसमें बेसिकली देखो पहले क्या था कि जो पुअर लोन मांग रहा है उसी को देते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन्होंने यहाँ पे जो ट्रेंड है वो लेकर के आए यहाँ पर, और आज तक भी काफ़ी सक्सेसफुल इनिशिएटिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा द्वारा और एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे कि कुछ और स्कीम्स हैं जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि एक इन्हीं का एक प्रोग्राम है, इनकरेज करते हैं रूरल एरियाज में, इसको रिस्ट्रक्चर कर लिया गया NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसी तरीके से अर्बन में भी है यही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था। अब इन्होंने 2005 में UPA गवर्नमेंट ने पहले टर्म में जब भाई बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया और ये लेकर के आए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये 100 दिन तक अनस्किल्ड लेबर को मैनुअल वर्क देगा, ठीक है, मिनिमम 100 डेज इन अ ईयर, है ना। तो ये था, अब 2014-15 तक देखें, 13-14 तक देखो कि लगभग 5 करोड़ लोग, ठीक है, इससे इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई अंदर 10 लोग, ठीक है, एक कानून बनाया, 5 लोग लोगों को रोजगार मिल गया। अब आती है हमारी लास्ट है द फाइनल अप्रोच, थर्ड अप्रोच, जिसका मतलब है, ठीक है, द मिनिमम बेसिक अमेनिटीज टू द पुअर, जो कि इंडिया में बड़ी मात्रा में फॉलो की जाती है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा भी कुछ आता हो इसमें इंक्लूड करने का तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं आप, ठीक है, और अप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा बड़ी मात्रा में, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मिनिमम बेसिक अम्यूनिटीज़ क्या होती है, यानी कि मिनिमम बेसिक अम्यूनिटीज़ तो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, जो सोशल कंजम्पशन होता है, जैसे कि फूड ग्रेन दे दो सब्सिडाइज प्राइस में, ठीक है, आपको मिलता है राइस व्हीट और बेसिकली पल्सेस मिलते हैं ना 3:2:1 में, हाँ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका जो, ठीक है, ये उसके अलावा सैनिटाइजेशन वाटर सप्लाई जो है कम दाम में दिया जाता है ताकि पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड कम से कम मिनिमम लेवल तक तो पहुँचे। उसके अलावा इस अप्रोच में किस तरीके से सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए और जो हेल्थ एंड एजुकेशन है उसकी उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। अब 5th 5 ईयर प्लान में आपको इसका जो है रोल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें भी ये कहा गया था कि जो बेसिकली एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब भी पुअर अपने लिए वो नहीं खरीद पा रहा था एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अब इसके बाद क्या कि कंजम्पशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा इन अ फॉर्म ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज आर ऑल इज बिकमिंग टूवर्ड्स द न्यू बेसिक नीड्स, ठीक। तो अब कुछ 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली मतलब प्रोग्राम थे जिन्होंने जो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस है पुअर लोगों का उसको अच्छा बनाने में हेल्प की। पहला तो आपका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, आप समझ रहे हो, है ना, जो गवर्नमेंट क्या करती है फार्मर से, ठीक है, उठा लेती है MSP पर, MSP पता है आपको, आज इसी का है तो चर्चा चल रही है सबसे ज़्यादा, मिनिमम सब सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट उससे खरीद लेती है फार्मर से, अब इन्हीं को ही जो गवर्नमेंट ओन शॉप है PDS शॉप होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या करती है जिनको कंट्रोल बोला जाता है आज के, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस में, तो अब इनको पुअर लोगों को इसमें क्या करती हैं वो देती हैं, ठीक है, 1-2 रुपए में, ठीक, पर केजी।
नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर कैलोरी और रिलेटेड टू दी आपका जो क्या बच्चों को दिया जाना चाहिए उसके बारे में इसमें अंदर बताया गया है, ठीक है। और कौन कौन सी विटामिन प्रोटीन्स चाहिए बच्चों को किस एज में, ठीक है। इसके अंदर आपका जो माँ भी है वो भी शामिल है गैस, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, ठीक है, स्कूलों में जो खाना दिया जाता है वो भी है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये सब अटैम्प्ट किए गए ताकि डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, हाउसिंग कंडीशन बेटर हो इन लोगों की, है ना। खाने का तो हमने यहाँ पे कर ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ पे हो चुका था। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चले हुए हैं। आप मुझे बताओगे 2019-20 में, 2019 और 2020 में कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आई हैं, ठीक है। एक तो मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान योजना जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें ये बता रखा है ऐसे लोग जो कि पुराने सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर नहीं थे, जिसके आपके एल्डर लोग उनको पेंशन दिए गए, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि ऐसी पुअर एल्डरली हो गए, अब ऐसी पुअर वुमेन जो कि डेस्टिट्यूट है या फिर विडो है, ठीक है, अब इनको बेसिकली नई स्कीम्स इनके लिए भी करके, ठीक है, तो इनको भी पेंशन दिए गए बाद में। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना बाय द गवर्नमेंट टिल नाउ, ठीक। जनधन योजना ने तो बेसिकली क्या करा, पूरे लोगों को, पूरे 133 करोड़, 35 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, किससे, बैंक अकाउंट से, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है, मेडिकल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं कि अभी तक जितने भी पॉलिटी एलिवेशन प्रोग्राम लाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो सिंपल सी बात है आप सब इससे एग्री करेंगे, जितना भी अभी तक हम कर चुके हैं उसके अलावा भी अभी भी हंगर, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, ठीक है, लैक ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़, ये अभी भी हमारे कंट्री में दिखने को मिलेगी, बहुत ही आम बात है, ठीक है। तो अब पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसी, वो तो बहुत प्रोग्रेसिव मैनर में है, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वो इतना कोई रेडिकली ट्रांसफॉर्म नहीं किया सोसाइटी को और सिस्टम को, ठीक है, तो इतने कोई खास रेडिकल चेंजेस आए नहीं। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अभी भी है, असेट्स हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो बेसिकली जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, जो टारगेटेड जनता है जिसको हमको हेल्प करना है, पुअर पुअर है एक्चुअली में, उनसे ना जा करके बल्कि नॉन पुअर तक, नॉन पुअर को ये मदद हो जाती है, ठीक है। तो बहुत खतरनाक और बहुत ही जो है अनरिस्पॉन्सिबिलिटी और अनअकाउंटेबिलिटी की बात है। उसके अलावा जो बेसिकली प्रोग्राम में दिए गए अलोकेटेड अमाउंट है वो जो है सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, कि ये भी बात है। नेक्स्ट बात क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी डिबेट तो इम्प्लीमेंटेशन की है, वो थी किन किन लोगों पे, गवर्नमेंट पे आती है वाली जिम्मेदारी, ठीक है। कौन बैंक के लोग होते हैं बस, जो कि बहुत ही इल मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ी सी रिश्वत खिलाओ तो खा लेंगे, ठीक है। करप्शन हर जगह है बेसिकली, कोई इसको डिनाई करता नहीं, नहीं, ठीक है। इनएडिकेटेड ट्रेंड है, अगर कोई लोकल इलाइट है वो आ गया, उसने अगर धमकी दे दी तो बस उसके प्रेशर में आ जाएंगे, उसको वो काफ़ी ज़्यादा वुलरेबल होता है, ठीक है। बहुत ही इनएफिशिएंट होते हैं, इल ट्रेंड होते हैं ये लोग, इसलिए ही जो है ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है पॉलिसी अच्छे से। तो नेक्स्ट है कि देर इज ऑल्सो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो लोकल अब होने लगा है बेसिकली, जो ग्राम पंचायत है ना, और बेसिकली ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, बड़े लेवल मतलब इन पॉलिसीज़ को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने में। हालांकि अगर हम अनऑफिशियली भी देखें तो एटलीस्ट अवेयरनेस और जो है असिस्ट तो ये लोग करते ही हैं काफ़ी अच्छे से। एक और बात जो हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसी में देख लो कि वो लोग जो सिर्फ सिर्फ जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन है, मान लीजिए कोई अगर 320 रुपीज़ कमा रहे हैं और कोई 321 पे है, ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा भैया, उसके बारे में अच्छे से नहीं चिंता कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात ये भी सही है कि हम पॉवर्टी को जब भी हटा सकते हैं, जब पुअर क्लास जो है वो कंट्रीब्यूट करे ग्रोथ में, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाए कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस में, ठीक है। तो पुअर पीपल को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि वो मोबिलाइज हो, इंकरेज हो, हाँ उनको करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली लेव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देंगे हम, सिंपल सी बात है, तो इनकम वो खुद जनरेट कर लेंगे, ठीक है, इनकम दे सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्थ और लिटरेसी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, बस इतना सा ही करना है हमको।
कंक्लूजन सिंपल सा यही है कि अभी तक हम जितना भी 70 सालों में बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए, पॉलिसीज लाए, तो पॉवर्टी एलिवेशन जो है मेन एम है और मेन चैलेंज भी है गवर्नमेंट का. लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि वास्ट रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, हम अलोकेट करते हैं, स्पेंड करते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम जो है इस गोल को अचीव करने में नाकाम रहे हैं हर बार. तो उसका रीज़न क्या है, तो वो इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं सब, ठीक है. अभी तक हमने सबको डिस्कस कर चुके हैं क्या रीजंस रहे, किस तरीके से क्या है. नेक्स्ट बात है कि अगर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम देखें तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, एवरेज स्टैंडर्ड और लेवल लिविंग में इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है. लेकिन हमको यहाँ पे देखना होगा कि हम HDI में कहाँ आ रहे हैं, हाँ, हम जो दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स है उसमें कहाँ आ रहे हैं, GDP कितनी है आपकी, कौन से नंबर की. हाँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाली है, ठीक है. लेकिन हम फिलहाल भी देखो जो बहुत सी कंट्रीज है उनसे तो आगे हैं, लेकिन जो आगे हमसे कंट्रीज है ना उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हम, ठीक है. अगर चाइना की 23 बिलियन की ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो हमारी 3 ट्रिलियन की है अभी तक, ठीक है. तो समझ रहे हो आप गैप, ठीक है. हम यहाँ से थर्ड लेवल पे तो बढ़ सकते हैं, हम 5 से 3rd पे भी आ सकते हैं, लेकिन हम 3rd से 2nd और 1st आने में हमको सालों लग जाएंगे, ठीक है. तो हमारी परफॉर्मेंस पे हमको ध्यान देना होगा, जो कि अभी तक इंप्रेसिव नहीं रही है इन रिलेशन टू द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है. हम 55% से 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो पॉवर्टी पुअर है उसको प्रेज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये गोल नहीं, हमारा गोल तो है 0 पॉवर्टी, ठीक है, SDGs का भी यही है. तो कुछ रीज़न जो है हमारी कंट्री में ऐसे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री से भी कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर है, ठीक है. तो हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, एज अ नेशनल ओवरऑल देखना पड़ेगा हमको इंडिया का, ठीक है, ना कि सिर्फ एक सिंपल सा कोई रीजन है उसको कम्पीट कराएं वर्ल्ड लेवल पर, ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट टुडे गाइस, ये हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. तो दो हमारे 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अब 5th चैप्टर हमको पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसके अंदर, किस तरीके से एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब आपके काम आता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए. तो ये हम सब अगले लेसन में देखेंगे, जब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग और कीप बार बार देखो इसको, हाँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बैठ जाएगा आपके जहन में, ठीक है. तो कभी नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन, तो आपको बस एक स्टडी ग्रुप जो भी आपको सोशल मीडिया की साइड है वहाँ पर इसको शेयर करना है, और कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे.